तुमने पठान देख लिया और पठान के साथ स्पाई यूनिवर्स के बारे में बहुत अच्छा खासा जानकारी भी हासिल कर लिया कि हमारे पठान का हिस्सा सलमान खान की टाइगर और ऋतिक रोशन की कबीर है और फ्यूचर मूवीज में इनका क्रॉसओवर डेफिनेटली होने वाला है। बट तुमने कभी ये सोचकर नहीं देखा टाइगर पठान जैसे रॉ एजेंट्स कबीर जैसे पावरफुल पीपल आखिरकार लड़ेंगे किससे? इस यूनिवर्स में एक बिग डैडी यानी कि जबरदस्त एक विलेन तो होना चाहिए ना। हर बार तो हमारे टाइगर श्रॉफ और जॉन अब्राहम आके नहीं लड़ सकते ना, एक बैडएस खतरनाक पावरफुल विलेन की जरूरत है स्पाई यूनिवर्स में जो इन हीरोज को हिला के रख देगा, जिस विलेन का दिमाग और हाथ सिमिलर काम करता हो। क्योंकि तुम एक पॉपर यूनिवर्स में एक्शन हीरोज स्टोरी लाइन जो कुछ भी सेटअप कर लो बट एक पॉपर बिग डैडी नहीं होगा तो यूनिवर्स में असली मजा तो नहीं आएगा बॉस। तो आज इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो स्पाई यूनिवर्स में एक बिग डैडी के साथ एक खतरनाक विलेन की रोल अदा कर सकते हैं। सच में यार इनमें से एक को भी YRF स्पाई यूनिवर्स के बिग डैडी के लिए कास्ट कर लेगा तो मजा ही आ जाएगा। तो भाई साहब स्पाई यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तुम्हें डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले भाई एक करवा सच कि बॉलीवुड में वो जमाना चला गया जब अमरीश पुरी, गुलशन गोबर, अमजद खान जैसे विलेंस एग्जिस्ट करते थे। मोगैम्बो, गब्बर, भाई बात ही अलग था इनका। सच में यार बाबा आदम के जमाने से ये एक्टर्स एक विलेन किसे कहते हैं ये इन्होंने दिखाया है। बट भाई सच तो ये है कि बॉलीवुड में पहले जैसे विलेंस प्रेजेंट टाइम में गिने चुने ही रह गए हैं जो अभी भी पोटेंशियल रखते हैं एक प्रॉपर विलेन बनने का। बट तुम्हारा भाई ऐसे विलेंस को इंक्लूड करेगा जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हमारे स्पाई यूनिवर्स के हीरोज के साथ टक्कर दे सके। नंबर 5 संजय दत्त। संजय दत्त एज विलेन 90s के जमाना में खलनाक वास्तव जैसे मूवीज में अपने विलेन अवतार में डेब्यू किए थे। उसके बाद 2004 की मुसाफिर, ऋतिक के ऑपोजिट, अग्निपथ मूवी में समझू बाबा हमें विलेन होने का मकसद सिखाए थे। हर एक मूवी में वो एक डिफरेंट लुक के साथ हाजिर होते थे जहां उनके स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही लार्जर लाइफ टाइप का है। एक विलेन की पर्सनैलिटी उसके वोकल वॉइस में रहता है और वो संजय दत्त के पास कूट कूट कर भरा है, जो चीज हमने पिछले साल KGF 2 में देखा था एज ए अधीरा। मुझे लगता है हमारे संजू बाबा रॉकी भाई जैसे गैंगस्टर को झुका सकता है तो हमारे पठान और टाइगर जैसे रॉ एजेंट्स को क्यों नहीं उंगलियों में नचा सकता है, जरूर कर सकता है। हालांकि हमारे संजू बाबा जॉन अब्राहम जैसे फाइट्स नहीं कर सकते बट उनके पर्सनालिटी जॉन अब्राहम को बहुत पीछे फेल कर आ जाता है। हमारे स्पाई यूनिवर्स के हीरोज के कंपटीशन में उनका एज बहुत हो चुका है इसलिए मैंने उनको टॉप 5 पर रखा है। नंबर 4 रणबीर सिंह। जरूर सोच रहे हो ना इसे क्यों इंक्लूड किया है, रणबीर सिंह सलमान शाहरुख को कैसे टक्कर देगा? मान लो दे भी दिया बट ऋतिक रोशन के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? क्या यार रणबीर सिंह ने कुछ फ्लॉप क्या दे दिया? तुम तो रणबीर सिंह के एक्टिंग को जज करने लग रहे हो। माना कि उन्होंने सर्कस में बेकार परफॉर्म किया है बट तुम मानो या ना मानो बॉलीवुड में रणवीर सिंह प्रेजेंट टाइम में एक ऐसे एक्टर हैं जो हर एक रोल को प्ले करने का पोटेंशियल रखते हैं। चाहे तुम विलेन ले लो, सीरियस रोल ले लो, ड्रामा ले लो, कॉमेडी ले लो, कुछ भी ले लो, इन सब अवतार में वो चुटकियों में आसानी से फिट हो जाते हैं। ये अक्षय कुमार का बात नहीं चल रहा है यहाँ पर। और इन्हीं में से रणवीर सिंह का एक और अवतार है वो है विलेन। हालांकि रणवीर सिंह ने एक ही बार नेगेटिव रोल प्ले किया है अपने लाइफ के अंदर बट उन्होंने जो किया था उस टाइम में फाड़ के रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के रोल में रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला था। हालांकि पद्मावत एक पीरियोडिक मूवी था क्योंकि बॉलीवुड में विलेन उतना है नहीं इसलिए एक पॉजिटिव एक्टर को मैंने लिया है वही नेगेटिव रोल प्ले करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और उसमें रणवीर सिंह से बेहतर और कौन हो सकता है, इसलिए मैंने रणवीर सिंह को एज ए विलेन नंबर बहुत ऊपर नहीं ऐड किया है, नंबर 4 पर ऐड किया है। नंबर 3 द ग्रेट एक्टर विजय सेतुपति। हाँ अब तुम जरूर सोच रहे हो भाई तू उस तरफ क्यों गया, स्पाई यूनिवर्स तो बॉलीवुड का माल है तो साउथ से कैसे चलेगा भाई? क्यों नहीं आ सकता? जब हमारे एसआर के जवान के विलेन के लिए उनको हायर कर सकते हैं तो हमारे YRF स्पाई यूनिवर्स के विलेन के लिए क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल है भाई साहब। हालांकि विजय सेतुपति सर इस टाइम में लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है जहां उनके एक बैड एस विलेन अवतार का तमिल इंडस्ट्री में हर कोई दीवाना है, चाहे तुम विक्रम मूवी का बात कर लो या मास्टर। बट उनसे भी ज्यादा विजय सर एक ब्रूटल विलेन मास्टर है। पठान, टाइगर और कबीर को पेल कर रख देने का पोटेंशियल रखता है यह बंदा। इनका स्क्रीन प्रेजेंस विक्रम मूवी में देखकर मैं तो पागल हो गया भाई साहब, तुम्हारा बात मैं नहीं बोल सकता, मैं पागल हो गया था। हालांकि गैंगस्टर मूवी से हमारे स्पाई मूवीज थोड़ा सा लाइट वर्जन है बट उनमें थोड़ा सा खतरनाक तड़का गैंगस्टर का दे दे तो कैसा मजा आ सकता है। इस एक्टर को हायर कर लो भाई साहब, मजा आ जाएगा स्पाई मूवीज में थोड़ा सा गैंगस्टर का तड़का। वैसे स्पाई यूनिवर्स के हर एक मूवी का स्टोरी सिमिलर होता जा रहा है तो यहां से इस एक्टर को हायर कर लेने से कुछ मसाला ऐड करके गैंगस्टर के साथ खतरनाक हो जाएगा भाई साहब। नंबर 2 सैफ अली खान। बचपन से सैफ अली खान को देख रहा हूं, उन्होंने बहुत से रोल को प्ले किया है। उन्होंने कभी रोमांटिक वाली, कभी दोस्ती वाली, कभी कुछ अलग, कभी कुछ और। बट जब से उन्होंने ओमका और लंकापट जैसे
जैसे मूवीज में विलेन का रोल प्ले किया है। तब से उनका पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग एक अलग टाइप का बन गया है। फिर उन्होंने अजय देवगन के साथ तानाजी किया, तब से अपन उनको फॉलो कर रहा है। विक्रम वेदा मूवी में उन्होंने काम किया बट एक विलेन के तौर पर नहीं। उसके बाद तो आदि पुरुष गया काम से, थोड़ी आदि पुरुष ही आ जाता है मेरे मन में। तो भाई बोलता हूँ अभी वो खाली बैठे हैं, उनके अंदर पोटेंशियल भी है, तो ले लो ना स्पाई यूनिवर्स में एक विलेन के तौर पे, बिग डैडी का रोल में खतरनाक हो जाएगा। विलेन पर्सनालिटी में सैफ अली खान बहुत ही बैडस है और हैंड टू हैंड कॉम्बैक में उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ विक्रम वेदा में कर लिया। तो हमारे पुराने जमाने की तरह शाहरुख सलमान के साथ सैफ अली खान का विरना देखने में मजा बहुत आने वाला है। मुझे लगता है सैफ अली खान एक्टिंग और दिमाग से जितना इंटेलिजेंट है, अपने एक विलेन के तौर पे अपने हाथों में उतना ही पावरफुल है। इन रॉ एजेंट का धुलाई करने का पोटेंशियल है बंदे के पास। स्पाई यूनिवर्स के बिग डैडी सैफ अली खान बन जाता है तो कुछ अलग टाइप का जरूर होगा। बताओ कौन से बताओ। नंबर वन, इंतजार में हो चौंकना मत, रॉकिंग स्टार। यस, हाँ जानता हूँ कि रॉकिंग स्टार अभी बॉलीवुड में कदम नहीं रखेंगे क्योंकि उनका जर्नी अभी ही शुरू ही तो हुआ है। उसके बाद वो एक गैंगस्टर यूनिवर्स का पार्ट है हमारे KGF यूनिवर्स का, फिर वो बॉलीवुड में आएंगे एक स्पाई यूनिवर्स में, वो भी एक विलेन के तौर पे। बहुत ही मुश्किल लगता है यार, बट थोड़ा सा इमेजिनेशन में घुस जाए तो कैसा होगा। घुस जाओ तो स्पाई यूनिवर्स के बिग डैडी एज ए रॉकी भाई कैसा लगेगा, सुनते ही गूज बम्प आ रहा है ना। क्योंकि एक एंटी हीरो के तौर पे हमारे रॉकी भाई इतना बवाल मचा सकते हैं, तो एक फुल्ली बैड विलेन के अवतार में हमारे रॉकी भाई जब ऋतिक रोशन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ाई करेंगे, सोच कर देखो, थिएटर्स नहीं आएगा, बम हो जाएगा जो एक एक करके फटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो मैं सलमान शाहरुख की बात भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन हजम नहीं होगा यार। तो इतना एक्सपेक्टेशन के साथ कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारे स्पाई यूनिवर्स में ऐसे ही कुछ प्रॉपर विलेन की जरूरत है, तभी इतना बिग मल्टी स्टारर यूनिवर्स को कंटिन्यू रखा जाएगा, तभी ऑडियंस पागल होकर थिएटर्स की तरफ खींचे आएंगे। खैर तुम्हें क्या लगता है, ऐसा कौन सा एक्टर है जो इस स्पाई यूनिवर्स में एक बिग डैडी बनने का पोटेंशियल रखते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे वीडियो इतना देख लियो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो पाप लगेगा, मतलब पाप नहीं मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा वीडियो बनाने की मोटिवेशन दो यार, सब्सक्राइब करो। और हमारे विवी के वाइंस की रफ्ता का रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।